नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाथ में भीषण सड़क हादसा हुआ। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मौखास गांव के निकट अनियंत्रित होकर ट्रक मुगल रोड के किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक सवार 3 महिलाएं समेत 6 लोग की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद CSC बुकराया जिले अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौखास गांव के निकट चालक के गाना बजाने के दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर मुगल रोड के किनारे पलट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए CSC बुकराया लेकर आए, जहां पर चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बरनाव गांव निवासी मुनिया की पत्नी पिंकी, राम खिलावन की पुत्री चंदावती, रमेश कलौलितिर के श्रीकांत का पुत्र सूरज, पुत्री कोमल, पत्नी राधा को मृत घोषित कर दिया। वहीं लाला राम, सुमित्रा रंजन देवी, विमला देवी, बच्चे शिवलाल, साजन, शिवप्यारी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर CSC पुकराया पहुंचे पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने परिवारी जनों को डांडस बंधाया व जांच पड़ताल की। कौन है आपका, कहाँ रहने वाली हैं आप? अच्छा, ये जो घटना हुई है कैसे हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ड्राइवर क्यों बजा रहे हो? तो कहते हम बजाएंगे तो कौन दिक्कत नहीं बजाए, तो इधर पर ऐसे करने लगा तो वहाँ को एक तालाब तो गाड़ी। जिस गाड़ी में आप बैठी थी उसमें क्या लगा था? उसमें थे काले वाले, कोयला लदा हुआ था। अच्छा, कितने लोग लगभग कितने लोग खत्म हो चुके हैं इसमें? पता नहीं कितने लोग बाहर होंगे। अच्छा, आपके साथ कौन कौन था? हमारे साथ में मम्मी थी, मतलब 3 भाई थे हम। तो सब गाड़ी में बैठी थे? कहाँ से बैठी थे गाड़ी? किस गाड़ी में? भोगनी से बैठे थे। अच्छा, भोगनीपुर से बैठे थे। चलो, आप किस काम से कहाँ जा रही थी? आलू बीनने के लिए जा रहे थे। कहाँ? इटावा में। इटावा। अच्छा, तो आपके जो माता पिता है उनकी क्या कंडीशन है? मम्मी खत्म हो गए, भाई मारते गए। माता जी खत्म हो गई है, भाई आपको जिला अस्पताल भेज दिए गए हैं। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है आपका? राम। कहाँ के रहने वाले हैं? बन्ना। ये घटना हुई कैसे हुई, किसकी लापरवाही थी ये? वो ड्राइवर का लापरवाही। अच्छा, तो आपके साथ कौन कौन था? आपके साथ कौन कौन था? अरे साहब, रहा काफी आदमी। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे आप, किस काम के लिए जा रहे थे? आलू बिनने। कहाँ पे? अजी रावा के यहाँ। ये घटना हुई कैसे? आपका ड्राइवर ना हमारी गाड़ी पर झोंक दी। अच्छा, आपके साथ कौन कौन था, कितने लोग खत्म हो गए? मतलब 4-5 जन खत्म हो गए। क्या नाम है बेटा आपका? ध्रुव। बेटा, ये घटना हुई कैसे हुई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम बैठे थे इधर से भोगनी के आगे से 1 किलोमीटर, ये इसने दारू पी थी जब हमने बैठ गए थे। किसने पी ली थी दारू? ड्राइवर ने, और कंडक्टर बेर बेर समझा रहा था, हम भी समझा रहे थे कि दारू नहीं पीने को, तो उसने पी थी दारू, तो वो कह रहा था फिर चलने लगा, कंडक्टर लटक गया, तो उसको कंडक्टर का जहाँ संभालने लगा तो वो फिर बैठ गया कंडक्टर, फिर वो गाना बजाने में चला गया। ये गाड़ी में कितने लोग थे? लगभग ट्रक में कितने लोग बैठे थे उसमें? 20 लोग। अच्छा, उसमें कितने लोग खत्म हो गए, कुछ जानकारी है क्या? 4 लोग खत्म, 4-5 है। मतलब 4-5-6 लोग खत्म हो चुके हैं। गाड़ी में क्या लगा था? अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे थे? इटावा जा रहे थे। आपके साथ कौन कौन था? तो क्या कंडीशन उनकी, ठीक है? वो मम्मी खत्म हो गई है। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ पर जो घटना हुई है भोगनीपुर थाना क्षेत्र में, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, परिजन वगैरह आपके हैं क्या इसमें? गांव के हैं, हमारे टोला पर उस बात है, अब इनके तो किसी किसी से हालात हो गए। अच्छा, लोग कहाँ, ये कहाँ जा रहे थे? ये लोग कहाँ जा रहे थे? किस काम के लिए? आलू बीनने। आलू बीनने।
कितने लोग लगभग इसमें खत्म हो चुके हैं? 5 लोग तो गांव के और 2 लोग तो बाहर के। क्या ये लोग सब एक ही गांव के थे कि अलग अलग थे? अलग अलग गांव के थे। कहाँ कहाँ थे लगभग? कुछ कुछ भी लोग हैं, कलौली चंदी रहे ना जी, हमें और कुछ बैठना। सर आज एक सर भोगनीपुर थाने में सर एक बड़ी घटना हुई है सर, क्या कहना चाहिए? ये भोगनीपुर थाना क्षेत्र में मऊ खास गांव पड़ता है, एक कोयले लदी ट्रक जो इटावा की तरफ जा रही थी उससे 22 मजदूर इटावा ही जा रहे थे तो ट्रक पलट गई थी और ट्रक कोयले से भरी थी तो जो मजदूर उसके ऊपर सवारी थे वो उस कोयले के नीचे आ गए थे और सूचना पर पुलिस बल द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया जिसमें और लोगों को तो बचा लिया गया लेकिन इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोगों में 2 पुरुष 2 महिला 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो जिला अस्पताल रेफर किया गया है उनका भी इलाज चल रहा है, अन्य 8 लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है।